गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके गुड मॉर्निंग बाकी गर्ल्स का मौन व्रत है क्या आज का पंडित ने मना किया है सुबह सुबह किसी से बात नहीं करनी हुँ? बोलो किसने गुड मॉर्निंग विश किया शिक्खी के अलावा किसी ने नहीं किया वॉट अबाउट अदर्स हाँ, आवाज निकल निकलते, नहीं, नहीं, चाहिए। निकलते नहीं, चाहिए। नहीं तो फिर क्या कवर करेंगे कौन तो एस फार एस की इसका फॉर्मेशन कंसर्न हो या एज फार एस की हम इसके जो चीजें प्रॉपर्टीज होती हैं भाई कैसा होता है कौन दिखने में कैसा होता है इसका बेस कैसा होता है वो सारी बातें हम यहाँ नहीं करेंगे बिकॉज वो हम

क्या कर दूंगा वन थर्ड और जैसा कि हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा कि एक्सरसाइज तो वॉल्यूम की थी लेकिन टोटल सरफेस एरिया एंड कवर्ड सरफेस एरिया के भी क्वेश्चन मौजूद थे तो होंगे हैं इस, इस एक्सरसाइज में भी ऑब्वियसली होंगे वो तो मुझे बताओ इसका टीएसए सीएसए भी जल्दी से सीएसए एंड टीएसए बोलो सीएसए ऑफ कौन एंड टीएसए ऑफ कौन जल्दी से पाई आर पाई आर सीएसए और टीएसए क्या हो जाएगा आई आर एल प्लस आर एल प्लस आर अब यहाँ पे की एल की वैल्यू भी बताओ वेयर एल इज वेयर एल इज स्लेंट हाइट फॉर्मूला फॉर्मूला एल का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इस तरीके से हम एल निकालेंगे तो दैट इज इट ये दो तीन फॉर्मूले याद कर लो तो फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती है अपना काम कर होमवर्क करके आएगा तू हम्म

दो पार्ट्स हैं पहला पार्ट क्या कहता है कि रेडियस ये है हाइट ये है सेकंड में रेडियस ये हाइट है तो एक में करवाऊंगा एक आप करेंगे तो लेट अस डू ऑब्वियसली विल सेलेक्ट सेकंड क्वेश्चन आई सेकंड करवा दें बोलो सेकंड कर लेते हैं चलो स्टार्ट करो करना आप ही लोगों को करना है रिविजन एक्सरसाइज है वैसे भी uh, रेडियस है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स एंड हाइट है 12 सेंटीमीटर और वॉल्यूम के केस में स्लेंट हाइट निकालनी नहीं पड़ती तो ये सारी बातें माइंड में होनी चाहिए कि हमको क्या पूछ रहा है वॉल्यूम पूछ रहा है तो मैं स्लेंट हाइट निकालने नहीं बैठूंगा इसकी जरूरत ही नहीं है ना सीधे मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ एक राइट सर्कुलर कौन का फॉर्मूला वन बाई थ्री पाई आर स्कवायर एच वन बाई थ्री पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस रेडियस इज वॉट थ्री पॉइंट फाइव इंटू थ्री पॉइंट फाइव इन एच क्या है 12. चलो इसको काटो पीटो सेवन से टाइम टाइम से 3 से 1 3 से टाइम्स टाइम्स करो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो कैसे करूं, देखो, चार बार कितने होंगे साढ़े तीन रुपए दो बार तो होते हैं सात रुपए सात का दोगुना चौदह फोर जाए सेंटीमीटर क्यूब आंसर मैच कर लो पीछे से बराबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर करो मैच पीछे से। सही है? जितनी जल्दी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करोगे उतनी जल्दी हम एक्सरसाइज खत्म कर पाएंगे क्योंकि एक्सरसाइज में पूरी इसी वीडियो में खत्म करूंगा और फिर जो, जो लोग स्कूल जाने की वजह से अभी जल्दी भागेंगे तो फिर उनको बाद में आगे वीडियो देखनी पड़ेगी सो बेटर रेस्पॉन्ड फास्ट ताकि एक्सरसाइज जल्दी जल्दी हो जाए सही है पीछे से मैच कर लिया 154 सेंटीमीटर क्यूब ओके एंड एक ही बच्चा रेस्पॉन्ड करेगा ऐसा नहीं कहा मैंने सब बच्चों को रेस्पॉन्ड करना है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ दिस कॉनिकल वेसल ये कॉनिकल वेसल है जिसकी रेडियस एंड हाइट गिवन है और यहाँ पे हाइट एंड स्लेंट हाइट गिवन है तो देखो रेडियस एंड स्लेंट हाइट अब ये बताओ कैपेसिटी के अंदर क्या होता है वही एल की जरूरत नहीं होती है लेकिन जबरदस्ती एल दे दिया दोनों जगह जरूरत हो तो थी नहीं लेकिन फिर भी दे दिया तो दे दिया तो फिर जो चीज की जरूरत थी वो नहीं दिया होगा जैसे कि हमको क्या चाहिए होता है रेडियस एंड हाइट चाहिए होती है इसने इस केस में क्या दे दी स्लेंट हाइट दे दी और इधर भी हमको क्या चाहिए था रेडियस एंड हाइट दे चाहिए था और इस केस में क्या चाहिए क्या दे दिया इसने स्लेंट हाइट स्लेंट हाइट दिया तो इसमें उसने हाइट नहीं दी यहाँ पे और इसने यहाँ पे स्लेंट हाइट दिया तो इस बार क्या नहीं दिया रेडियस नहीं दिया तो ये हाइट एंड रेडियस जो मिसिंग पोर्शन है वो इन दोनों की मदद से निकालने पड़ेंगे ओके सो इसमें क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं देखो रेडियस गिवन है कितना सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट गिवन है कितनी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मुला में हाइट एक कॉम्पोनेट है तो हाइट कैसे निकलेगा एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर तो एल क्या है 25 का स्क्वायर आर क्या है सेवन का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर क्या होता है बोलो? ये स्क्वायर वगैरह सब बिल्कुल टेंथ में एंटर होते होते सबको याद हो जाने चाहिए नहीं तो डंडे की जोर याद करवाऊंगा मैं खूब मस्ती मार लिया आपने बस ये नाइन्थ का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है इसको खत्म करूंगा जितना जल्दी हो सके फिर आप आओ मिलो मुझसे टेंथ मेंसन सेवन इंटू सेवन इज हाइट हाइट अभी अभी निकाली है मैंने ट्वेंटी फोर तो एक सेवन से एक सेवन गया थ्री सेवन थ्री सेवन गया 22, 7 जा 154 होता है

एक लीटर और 232 मिलीलीटर ठीक है जी फाइन यस सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड द हाइट ऑफ अ कोन इज दिस इफ द वॉल्यूम इज दिस फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस अब उल्टे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं भाई हर एक्सरसाइज में देता है ना पहले सीधे फिर उल्टे अब की बार वॉल्यूम दे दिया मजे करो लेकिन फिर पूछ लिया हाइट तो दे दी और क्या पूछ लिया आपसे रेडियस पूछ लिया ओके तो क्या दे रखा है आपको हाइट दे रखी है सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड देन फिर वॉल्यूम वॉल्यूम दे रखा है कितना क्यूब तो वॉल्यूम के फॉर्मूला को अगर मैं इलेबोरेट करूं तो वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी वन फाइव सेवन जीरो वन बाई थ्री पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको थ्री पॉइंट वन फोर लेनी है स्पेसिफिकली गिवन है Into, आर तो मुझे निकालना है है तो तो उसको आर को छोड़ दो और एच था 15, कितना हो गया 1570. यहां से 3 से 1 and 3 से गया से 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 ये कट इधर ही देख रहा फिर बंद बंद करते चाहे से उसकी जरूरत नहीं इधर ही देख रहा है तो फिर इधर ही बैठ जाए उस स्क्रीन को बंद करके इधर ही बैठ जान ओके फाइव से करते हैं इसको मल्टीप्लाई है.

नीचे कहाँ दिख रहा है पॉइंट से जीरो तब करता है जब एक ही जगह हो या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे नहीं करता है एक ही चीज को बता बता के थक गए पर क्लास सेवन्थ की कैलकुलेशन नाइन्थ में बतानी पड़ती है हर बार जितनी बार करो हर बार बतानी पड़ती है अब की बार अगर ऐसी बात करी तो डंडा पड़ेगा याद रखना तो और कोई तरीका नहीं आप लोगों को सुधारने का अगर फिफ्टीन पॉइंट सेवन 15 15.7 होता तो ये हो ये पॉइंट से जीरो कैंसिल आउट हो जाता और इसका भी हो जाता, 157, 157 into 157. लेकिन वो दोनों न्यूमरेटर तो में, में और न्यूमरेटर में ये है डिनोमिनेटर में तो कैसे कैंसिल आउट होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वही चीज कैंसिल आउट होती है जो सेम हो और ये दोनों सेम नहीं है वो जीरो सेम नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते okay. क्या करूंगा इस 15.7 में से एक जीरो निकाल के ऊपर पहुंचा दूंगा तो इनटू 10 हो जाएगा ऊपर और यहाँ का डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ठीक है 157 हो जाएगा ये <laughs> 157 से ये कितनी बार गया 10 टाइम्स 10 into 10 क्या होता है 100 तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हंड्रेड है सो यू विल अवे गेट रेडियस इक्वल टू रूट ऑफ हंड्रेड रूट ऑफ हंड्रेड वैसे तो प्लस और माइनस टेन होता है बट रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव सो वी विल टेक प्लस वाला क्वांटिटी टेन सेंटीमीटर का आंसर सो रेडियस इक्वल टू लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम देर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इक्वल टू वॉट टेन सेंटीमीटर मैच करो पीछे से बराबर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इफ द वॉल्यूम सर्कुलर कोन ऑफ क्वेश्चन है और डायमीटर जो है वो निकालना है ठीक है उसमें निकालने के लिए उसका क्या कर दो, दो गुना कर दो बस यहाँ पे पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर लेनी थी और वहां पे पाई की वैल्यू पाए लेनी है देखो वॉल्यूम ही पाए में गिवन है तो आपको पाए को वैल्यू नहीं रखनी है पाए को आपको पाये ही रखे रहने देना है ठीक है चलो तो क्या क्या हाइट गिवन है पहले की तरह नाइन सेंटीमीटर और वॉल्यूम गिवन है पहले की तरह फोर्टी एट पाई सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम के फॉर्मूला को करते हैं इलेबोरेट क्या होता है वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू उधर क्या आ जाएगा फोर्टी एट पाई अब देखो दो ऑप्शन है या तो पाई की वैल्यू यहाँ पे भी रख दो और यहाँ पे भी रख दो सर क्या रखें जो मर्जी है वो रख दो चाहो तो 22 टू बाई सेवन रख दो रख दो चाहो तो 3.1 रख दो या फिर 3.1 रख दो जो भी रखोगे कट जाएगी और चाहो तो रखो ही मत ऐसे ही पाई से पाई काट दो दोनों तरीके सही है उससे करोग चलोगे तो भी आंसर सेम आएगा इससे चलोगे तो भी आंसर सेम आएगा चलो जो वैल्यूज गिवन है वो रखो वन बाई थ्री इन पाई इन आर स्क्वायर एज इट इज क्योंकि वो मिसिंग है एच क्या है नाइन इक्वल टू वॉट फोर्टी एट पाई थ्री से वन टाइम थ्री से थ्री टाइम तो अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो 48 पाई 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 डिवाइडेड बाय क्या क्या बचा पे बच गया? गया गया तो तो वो नीचे चला जाएगा पाई इंटू पाई से से पाई से कट कट देखो और टाइम्स ये तो स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फोर्टीड आंसर ठीक है मैच करो पीछे से वाले तो क्या क्या हुआ अच्छा सॉरी डायमीटर डायमीटर बताना यस 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 देखो भूल गया ना मैं भी तो कई बार अपन जल्दीबाजी में फ्लो फ्लो मेंस कर, तो कर दो जिनको याद था कि डायमीटर बताना और कितने बच्चे जिन्होंने आंसर मैच किया फिर पता चला यार आंसर तो गलत है डायमी निकलना है बोलो पहले से, से याद था याद था सर ठीक है डायमीटर पूछा था तो डायमीटर विल बी इक्वल टू एट सेंटीमीटर ओके ना चले नेक्स्ट अब देखने वाले इस क्वेश्चन को तो इजी बताते हैं थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को डिफिकल्ट बताते हैं क्योंकि ये पता नहीं क्या भयानक सी चीज दिखती है पाई सेंटीमीटर क्यूब तो ऐसा चीज, तो लगता है पाई, पाई यू ही उड़ गया बजाय थर्ड के, थर के. ठीक है ना तो डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर पहले खोल के देखो बुक को फिर पिटारे में क्या निकलेगा बाद में पता चलेगा है, है खोदा और कॉनिकल शेप में खोदा है खतरनाक मिस्त्री होगा वो, लेकिन में पता नहीं कैसे ओके। अब में कितना पानी आप डाल सकते हैं ये आपको बताना है मतलब सिंपल सी बात में बात करूं कैसे निकलती, निकलती है चलो तो गिवन क्या क्या है डायमीटर कितना थ्री पॉइंट फाइव सो रेडियस कितनी हो जाएगी इससे स्ट्रेट अवे 3.5 पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू मीटर में है ना मीटर मीटर और डेप्थ डेप्थ को मैं एच से डिनोट करूंगा होने में तो यह डेप्थ है बट मैं लेटर इसके लिए कौन सा यूज करूंगा एच यूज करूंगा बारह मीटर ओके सो वॉल्यूम इक्वल टू वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच और पाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू गिवन नहीं है सो वी विल यूज ट्वेंटी टू बाय सेवन ऑनली आर स्क्वायर थ्री पॉइंट फाइव बाय और x हो जाएगा मेरा ट्वेल्व तो देखो काटो सेवन से जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स थ्री से फोर टाइम वो कट गया थ्री फोर ट्वेल्व और नीचे 2 into 2, 4 है तो ये 4 पूरा ही कट गया तो बचता है केवल कई बार कर कर लिया फिर से कर देते हैं 22 का आधा हो जाएगा .5. 5, जा रिमाइंडर 5, सब कुछ मीटर में था तो मीटर क्यूब तो ये वॉल्यूम आ गया अब कैपेसिटी हमेशा लीटर में निकाली जाती है ना कैपेसिटी हमेशा लीटर में निकाली जाती है। तो लीटर में निकालने के लिए एक मीटर क्यूब में थाउजेंड लीटर होते हैं हम सब जानते हैं तो अगर लीटर लीटर में लेकिन सेवन तो तो से जीरो पॉइंट फाइव कट गया थ्री तो से फोर थ्री फोर जो ट्वेल्व फिर टू टू या फोर फोर से फोर एक साथ ही काट दिया ना हाँ कैपेसिटी लीटर में निकालते हैं बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसने क्या कहा है कि, कि किलो लीटर में निकालो इस क्वेश्चन में क्या कहा है इसने किलो लीटर में निकालो अगर वो ऐसे नहीं कहता कि किलो लीटर में निकाल दो तो फिर मैं लीटर में निकाल के छोड़ता ठीक है तो किलो लीटर में निकालते हैं तो एक हजार लीटर का एक किलो लीटर होता है एक हजार लीटर का क्या होता है भाई एक मीटर क्यूब का एक हजार लीटर और एक हजार लीटर एक किलो लीटर दैट मीन दैट मीनस एक मीटर क्यूब ही एक किलो लीटर है जितना मीटर क्यूब है, उतना ही है, तो मीटर क्यूब है तो थर्टी एट पॉइंट फाइव मीटर क्यूब है तो थर्टी एट पॉइंट फाइव ही किलोलीटर आंसर होगा जितने मीटर क्यूब होगा उतना ही किलोलीटर होगा लेकिन अगर लीटर में निकालना होता किलोलीटर में नहीं निकालना होता तो फिर इन टू थाउजेंड करना पड़ता समझ में आई अच्छे से बात सबको और ऐसे समझ नहीं आया तो चलो पहले लीटर में चेंज करके बता देता हूँ आपको तो लीटर में चेंज करने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई करोगे और किलो लीटर में चेंज करने के लिए फिर थाउजेंड से डिवाइड करोगे तो ये तो वैसे भी कट गया आंसर थर्टी एट पॉइंट फाइव किलो लीटर या सिंपल सी बात याद करो जितने मीटर क्यूब उतना ही किलो लीटर ओके फाइन बेटा बोलो कोई डाउट मैच कर गया ना पीछे चलो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कौन दिस अब दो तीन चीजें फिर पूछ ली यानी वॉल्यूम दे दे दिया diameter दे दिया डायमीटर डायमीटर से रेडियस आ जाएगा फिर हाइट आ जाएगी सबसे पहले तो वॉल्यूम के वॉल्यूमला को इलेबोरेट करेंगे हाइट और रेडियस से स्लेंटाइट आ जाएगी स्लेंटाइट आने के बाद फिर अपन सी ए सी ए से निकाल लेंगे पगल से मतलब एक दूसरे को हेल्प करेगा दूसरा तीसरे को तीसरा चौथे को, को इस तरीके से चीजें अगली से अगली आती जाएंगी चलो डायमीटर क्या है हमारे पास ट्वेंटी एट सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ दैट इज 14 सेंटीमीटर और उसके अलावा वॉल्यूम गिवन है कितना 9856 सेंटीमीटर क्यूब तो स्ट्रेट अवे हम वॉल्यूम के फॉर्मूला को कर देते हैं इलेबोरेट राइट वॉल्यूम इक्वल टू हमको गिवन है 9856 वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है 1 by 3 1 by 3 पाई आर स्क्वायर ह पाई की कुछ वैल्यू नहीं गिवन होती तो हमेशा कुछ गिवन है क्या नहीं तो विल टेक इंटू टीन इंटू आर स्क नहीं आर जाएगा एच इस बार मिसिंग है इक्वल टू वॉट नाइन एट फाइव सिक्स पहले तो आपस में सॉल्व कर लो तो सेवन 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 टू जाए कुछ और कुछ नहीं कटता है और कुछ नहीं करता है तो क्या बचा यहाँ पे देखो यहाँ पे बच गया ट्वेंटी टू इंटू टू इंटू फोर्टीन इंटू एच और डिनोमिनेटर में क्या बचा है थ्री और वहां पे क्या है मेरे पास? क्या है मेरे पास वहां पे क्या है ट्वेंटी टू इंटू टू इंटू फोर्टीन कर दू जल्दी से बोलो नो no, no. बेवकूफ होंगे जो मल्टीप्लाई करेंगे अरे उधर चल के ये तीनों नीचे डिवाइड होंगे ना तो कट जाएंगे ना क्यों आप इसको मल्टीप्लाई करो आप स्ट्रेट अवे एच की वैल्यू निकालो नाइन एट फाइव सिक्स जो डिनोमिनेटर में वो आ जाएगा टू काट तो, 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 से काटते हैं छोटे मोटे लोगों से या स्ट्रेट अवे पहले मैं ट्वेंटी टू से काटता हूँ चलो तो वो और ये कटेगा हंड्रेड परसेंट कटेगा ना अंदर से फीलिंग आ जाती है तो ट्वेंटी टू फोर जा एटी एट बचा दस दस और पांच मिलके एक सौ पांच हो गया नहीं कटा यार अच्छा इलेवन से कट रहा है क्या इलेवन इलेवन एट एट जा एटी एक सौ पांच नाइनटी नाइन हाँ इलेवन से तो कट रहा है यार ये इलेवन से तो कट रहा है इलेवन से काट दो चलो इलेवन टू जा ट्वेंटी टू इलेवन एट जा एटी एट बचा दस दस और पांच एक सौ पांच इलेवन नाइन या नाइनटी नाइन एक सौ पांच में से नाइन्टी नाइन गए छः बच्चे छः और सिक्सटी सिक्स तो इलेवन सिक्स जा फिर ये ट्वेंटी टू से क्यों नहीं कटा यार, तो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक है, फिर तो ये ट्वेंटी टू से भी कट जाता चलो कोई बात नहीं आप काट दो तो देखो टू टू फोर्टीन है तो मैं ये टू टू जा फोर होता है फोर से सीधा ही काट रहा हूँ उसको है ना फोर टू जाट फोर टू जाट फोर फोर जा सिक्सटीन ठीक है अब ये फोर्टीन से कटेगा फोर्टीन वन जा फोर्टीन वन या फोर्टीन बचता है एट एट फोर एटी फोर और फोर्टीन सिक्स बार नहीं फोर्टीन सिक्स यान इंटू थ्री बचता है इन ऑल तो 3 इंटू थ्री एट सेंटीमीटर अब ये काटने की टेक्निक अलग अलग हो सकती है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप अपने हिसाब से भी काट सकते हो काटना घूटना इज नॉट माई पार्ट वो सब आपका पार्ट है कैसे भी काटो ओके सिक्सटीन थ्री या फोर्टी एट आंसर आ गया बोलो यहाँ तक कोई डाउट अब ये तो था ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हाइट ऑफ द कॉन पूछिए उसने हाइट ऑफ द कॉन तो ये हो गई मेरी एक तरीके से हाइट ऑफ द कॉन नेक्स्ट पेज पे चलता क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया हाइट ऑफ द कॉन कितनी आ गई कितनी आई थी फोर्टी एट सेंटीमीटर अब चलते हैं स्लेंट हाइट के पास तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है स्लेंट हाइट इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का होल वेरी गुड और रेडियस क्या निकाली थी अभी अभी आपने 14 का स्क्वायर और हाइट जो है 48 है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा का रूट करना पड़ेगा ठीक है तो 14 का स्क्वायर देखो अब आप अगर आपको है ना ये मल्टीपल चॉइस में मिले ना तो आप पता है कैसे करेंगे इसको 14 48 के बाद तीसरा ब्लैंक आपको चाहिए भाई क्या ट्रिपलेट में बनेगा ना फोर्टीन फोर्टी में से पहले कॉमन ले लो तो कॉमन अगर मैं ले लू तो क्या बचता है टू सेवन या फोर्टीन ट्वेंटी अब मुझे बताए सात चोइस के बाद पच्चीस ही आता है

जगोन के और सौ रुपए का रूट क्या हो जाएगा 50 तो वैसे भी आ रहा है वैसे भी आ रहा है ठीक है ना तो स्लेंट हाइट हो गई साहब आपकी क्या 50 सेंटीमीटर दो क्वेश्चन का आंसर क्लियर है स्लेंट हाइट तो हो गई 48 और स्लेंट हाइट हो गई 50 अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तीसरा क्वेश्चन था फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या फार्मूला होता था पाई r l 22 over 7, radius तो point में ही थी करीब करीब थी और स्लेंट हाइट कल तक नहीं थी आज तो है फिफ्टी सेवन से टू टाइम देखो पचास को दो से करोगे सो 100 yes, को बाईस से करोगे बाईस सो सेंटीमीटर मैच करो तीनों आंसर मैंने स्क्रीन पे रखे हुए हाइट फोर्टी एट सिलेंट हाइट पचास और सीएसए बाईस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे चेक करो सही है तीनों सही है राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइट पांच बारह तेरह इज रिवॉल्व अबाउट द साइड बारह सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ओपन अब मैंने आपको बताया था इसके फॉर्मेशन में याद है कि कोन का फॉर्मेशन वैसे तो होता है किससे मतलब कोन का बेस क्या होता है एक बेस होता है उसमें सर्कुलर और एक, एक बेस होता है पॉइंट नामक है ना ऐसा कोन होता है देखो जिसमें एक बेस तो होता है सर्कुलर और एक बेस होता है पॉइंटेड ठीक है ना ये होती है इसकी हाइट ये होती है इसकी हाइट और ये होती है इसकी रेडियस और ये होती है ये होती है हाइट ये होती है रेडियस और ये होती है इसकी स्लेंट हाइट और ये दोनों एक एक दूसरे परपेंडिकुलर ये होता है तरीके से अब अगर अपने को कौन बनाना है तो कोन बनाने के दो तरीके सर टू फिगर से इसको इसको या फिर इसको इमेजिन करके बनाए तो अगर टू फिगर से बनाना हो तो मैंने आपको बताया था कि एक क्वाड्रेंट लेना पड़ता है क्या लेना पड़ता है एक क्वाड्रेंट लेना पड़ता है ऑफ ए सर्किल और उससे क्या बन जाता है ये कोण बन जाता है कैसे इस पार्ट को इस पार्ट से फोल्ड करके मिलाने से बट यहां पर ये यह दूसरे तरीके से बनवा रहा है यहां पे क्या कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल लो क्या लो एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे और उसकी साइड्स क्या कह रहा है ये उसकी साइड्स कह रहा है पांच बारह और तेरह yeah. तो तेरह तो ऑब्वियसली ये होगी तेरह तो ऑब्वियसली ये होगी और पांच बारह में आप कोई सी भी कहीं भी रख सकते हो चाहे पांच या बारह पांच या बारह तो मैं पांच यहां रख देता हूँ और बारह तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया अब इससे कोण बनाना है इससे नहीं बनाना है इससे कोण बनाना है और इससे कोण बन तो नहीं सकता बट इमेजिनेशन में बन सकता है कैसे बनेगा आपको मैंने बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगलो ऐसे होता है है उसको आप रिवॉल्व रिवॉल्व करो करो ऐसे ऐसे जैसे सपोज ये ये डंडी डंडी तो तो इस डंडी को करोगे तो बनाएगी अब दिख तो नहीं रहा लेकिन इमेजिन करो बन चुका है है हाँ ना तो वैसे ही ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये घूमेगा ऐसे कहां से घूमेगा इसकी ये वाली साइड फिक्स कर दो ये जो परपेंडिकुलर साइड है इसको तो कर दो फिक्स तू तो हिली मत तू तो मत अपनी जगह फिक्स हो जा तू तो मत अपनी जगह फिक्स हो जा और ये जो ये कोना है ये कोना है इसको रिवॉल्व कराओ और रिवॉल्व करा के वापस यहाँ लेके आओ इस कोने को उसको फिक्स कर दो और ये कोना जो है इसको ऐसे कराओ। तो जब वो रिवॉल्व होगा तो इमेजिनेशन में सोचो इमेजिनेशन में सोचो एक कोनीकल फिगर बनेगा क्योंकि जब ये सीधी डंडी थी तो सीधी डंडी सर्किल बना रही थी सीधी डंडी क्या बना रही थी जैसे सीधी डंडी थी, थी, थी सर्किल बना रही थी तो इस सीधी डंडी से तो ये सर्किल बन जाएगा इसका और ये जो टेढ़ी डंडी है ये टेढ़ी डंडी जो है यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया बना रही है सीधी डंडी तो उसका बेस बना रही है सर्कुलर बेस टेढ़ी डंडी उसका कर्व्ड सरफेस एरिया बना रही है और सर्कुलर बेस और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों ही बन गए तो फिर कौन तैयार हो गया ना और बचाई क्या लेकिन अब यहाँ एसको जब अपन रिवॉल्व कराएंगे तो कौन सी चीज क्या बनेगी देखो पांच इधर जो ये डंडी थी ना ये बन जाएगी इसकी रेडियस ठीक है जो स्लेंट हाइट थी तेरा जो थी तेरा वो इधर बन जाएगी स्लेंट हाइट तेरा और जो हाइट थी ना इधर ये दूसरी जो साइड थी ना बारह सेंटीमीटर वो बन जाएगी इधर तो जो चीजें इधर बारह तेरह पांच आ रही थी वो इस तरीके से बारह पांच तेरह आ जाएंगे ठीक है यहां तक कोई डाउट नहीं है ठीक है अब सुनिए अब डिपेंड ये करता है कि आप घुमा किससे रहे हो देखो आप इससे तो कभी नहीं घुमाओगे आप या तो बारह वाली साइड से घुमाओगे या पांच या बारह को फिक्स रखोगे सपोज करो पांच, पांच, कर पांच को फिक्स कर दिया और बारह को घुमाया तो फिर पांच हाइट और बारह रेडियस ये चेंजेस होंगे ठीक है और जो स्लेंट हाइट है वो तो कल भी तेरा थी और आज भी तेरह है तो आपको ये सोचना है कि आप कौन सी साइड से घुमा रहे हो तो वो क्या कह रहा है इस रिवॉल्ड अबाउट द साइड बारह सेंटीमीटर अब यहां पे इस अबाउट का मीनिंग क्या है अबाउट का मीनिंग यह है कि बारह को फिक्स करो या अबाउट का मीनिंग है कि बारह को ही घुमाओ यह सोचना है बोलो बच्चों बारह को फिक्स करना है बारह सेंटीमीटर वाली साइड को फिक्स करना है या बारह को ही घुमाना है बोलो बस ये चीज यहां पे समझनी है कि बारह को फिक्स करें या बारह को घुमाए बोलिए अरे गेस्ट तो करो कम से कम कि 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट इसको घुमाना है तो 12 सेंटीमीटर वो वाली साइड है जो फिक्स होगी वो वाली साइड है जो घूमेगी यू आर वेस्टिंग योर टाइम हाँ फिक्स रहेगी हा? फिक्स रहेगी रहे चलो करके देख लेते हाँ चलो ठीक है तो अबाउट का मतलब एज पर सक्षम ओपिनियन की अबाउट का मतलब है कि ये फिक्स रहेगी तो फिर घूमेंगे चलो अभी अपन गलत फहमी या तो आपकी दूर करेंगे या उसकी दूर करेंगे दोनों में से एक सही है गलत है क्योंकि दोनों इक... अभी तो कह रहा है तो अभी तो कह रहा है तो फिक्स रहे है। एक चीज बोलना तो चलो देखते नहीं हैं नहीं चलो ठीक है देखते हैं तो अगर आप बारह को फिक्स करोगे सपोज करो तो राइट एंगल ट्राइंगल यू बनेगा अगर आप बारह को फिक्स करोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल यू बनेगा जिसमें बारह तो है फिक्स पांच है यू और तेरह और इससे जो कोण बनेगा इससे जो कोण बनेगा वो ऐसा बनेगा जिसमें की हाइट हो जाएगी क्या बारह और स्लेंट हाइट हो जाएगी क्या तेरह तेरह और आपकी रेडियस हो जाएगी पांच तो इस वाले कोण का आपको क्या चाहिए बेटा वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच पाई 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 की वैल्यू 22, 22. नहीं, पाई की वैल्यू वैल्यू गिवन नहीं में मोस्ट प्रोबेबली रखी हुई है तो आप भी रखो पीछे बारह से वन थ्री से तो फोर टाइम तो करो फोर फाइव जा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड अरे पाई को पाई रखो भाई कितनी बार कहू फोर फाइव जा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड हंड्रेड पाई हंड्रेड पाई और ये सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर मिल गया सही है तो नहीं मिला तो से, मिल गया तो यहाँ से तो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अबाउट के आगे जो साइड रखी हुई है वो फिक्स होगी लेकिन ये कई बार ऐसे कर देता है ये बड़ा शरारती है ये बड़ा शरारती है अब आउट की जगह क्या कर देता है अराउंड क्या कर देता है अब याद रखना अराउंड क्या ली थी 20 ली थी देखा तो, तो पाई 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 ये जो पाइप वाली पे ही रही बेटा ये 8th क्वेश्चन है अपन 7th पे हैं थोड़ा तो पिक्चर में रहो बिल्कुल ही खोए हुए रहते हो गुमसुम से ऐसा लगता है जैसे पिक्चर देख ही नहीं रहे हो हां सुनो तो अगर ये अबाउट की जगह अराउंड कर दे तो अराउंड का मतलब क्या होता है फिर ये घूमेगी तो आप ऐसे फिक्स कर लो अराउंड के अगली जो चीज लिखी हुई तो घूमेगी अबाउट के अबाउट का मतलब उसके इर्द गिर्द होता है अबाउट का मतलब उसके इर्द गिर्द तो फिर बारह फिक्स रहेगी और उसके इर्द गिर्द चीजें घूमेंगी समझ में आई बात अब ऐसा का ऐसा ही अब मैं इसमें चेंजेस नहीं कर रहा हूँ देखो ऐसा का ऐसा ही फिगर क्वेश्चन नंबर एट सेम टू सेम वो क्या कर रहा है इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन सेवन ऊपर वाले क्वेश्चन में रिवॉल्व करते दे पांच सेंटीमीटर से

ठीक है तो अब जब कोण बनाएंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे मी सी तेरा तो कल भी तेरा ही था सॉरी अब ये कोण ऐसा बनेगा ही नहीं पहली बात तो थोड़ा सा बोना सा कोण बनेगा बोना और चौड़ा बोना और चौड़ा कोण बनेगा लाइक like दिस और भी चौड़ा बनेगा वैसे तो लेकिन चलो भाई अब समझाने के लिए ही काफी अभी पांच ये हो गया बारह और ये हो गया तेरह में आया ना बच्चों कल तक बारह फिक्स थी और आज कौन फिक्स है फिक्स ठीक है ठीके? और ये अराउंड नहीं है अबाउट अराउंड होता तो फिर जस्ट इसके उल्टी चीजें होती ठीक है ठीके? तो इस केस में वॉल्यूम निकालते हैं चलो फॉर्मूला वही वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच तो वन बाई थ्री पाई विल बी पाई आर का स्क्वायर अब की बार आर क्या है बेटा बारह

100 सेंटीमीटर, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब अभी क्या वॉल्यूम निकला 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब सो हम जल्दी से इसका क्या निकाल लेते हैं आ, रेशियो, so, to, पहले वाला वॉल्यूम है 100 cm3, और बाद वाला वॉल्यूम है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब पाई पाई गया सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब गया जीरो जीरो गया टू से फाइव टू से ट्वेल्व फाइव रेशियो ट्वेल्व आंसर कुछ समझ आया क्या yes, क्या समझ आया बताओ यस सर क्या समझ आया अभी भी नहीं समझ आया yes, बोलो किसी को कुछ ऐसी चीज दिखाई दी जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे सर इसने पाई की वैल्यू वैल्यूटनी की थी क्योंकि फिर बाद में रेशियो निकलवाया है ठीक है वो भी कोई बड़ी बात नहीं है वो तो श्रेष्ठ भी समझ गया था यहाँ बैठे बैठे और कुछ दिखाई दिया क्या और कुछ भी दिख रहा है मुझे और कुछ भी दिख रहा, दिख रहा है अरे रेडियस का रेशियो ही आंसर है to 12, ये क्यों नहीं देख पाते हो तुम पिक्चर सामने लगी हुई है उसको एनालाइज़ नहीं करते एनालिटिकल पावर स्ट्रोंग रखो चीजों को परखो अरे मैथमेटिक्स बारह गुना पांच गुणा चार ये सारी पूरी दुनिया करती है पूरी भीड़ में सारी भीड़ है ना जो लगी हुई है वो सारी करती है भीड़ से अलग आओ कुछ अलग सोचो तो कल को अगर ऐसा क्वेश्चन छोटे नंबर में आ गया एनालिटिकल आ गया तो यू विल व्हाट यू विल डू आप केवल रेडियस का रेशियो निकालोगे रेडियस पांच थी रेडियस बारह थी आंसर फाइव

ठीक है तो याद रखोगे ये कि रेडियस का रेशियो ये एंड में वॉल्यूम का रेशियो निकल के आएगा अच्छा आंसर मैच कर लिया सही आ रहा है पहले का आंसर हंड्रेड तो पाई दूसरे का आंसर टू फोर्टी पाई और रेशियो फाइव इज चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है शायद एक्सरसाइज का और भी है क्या हाँ चलो लास्ट ए हीप ऑफ वीट वीट का कोई हीप है हीप समझते हो ना गठरी या कुछ टीला टाइप बना देते ना अपन ठीक है इज इन द फॉर्म ऑफ एक कॉन कॉनिकल शेप में टीला बना दिया गेहूं का लेटर सपोज करो कि ना, देखा होगा आपने घर में जब गेहूं खाली करते हैं उसको साफ करने के लिए जब गेहूं खाली करते हैं घर में तो वो कॉनिकल शेप जैसे मान लो बोरी में से गेहूं निकाला एक साथ ही डाल दिया ऐसे घर पे देखा होगा आपने तो वो ऐसे कॉनिकल हीप टाइप बन जाता है परफेक्ट कॉनिकल नहीं बनता होगा पर करीब करीब शॉर्ट ऑफ कॉनिकल हीप टाइप वो बन जाता है तो वो जो हीप है उसका डायमीटर क्या है टेन पॉइंट फाइव मीटर एंड हाइट है थ्री मीटर उसका सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालो और फिर उस हीप को भाई बारिश है तो बारिश में खराब ना हो जाए सपोज करो मैंने खुली जगह पे उसको हीप को सेट uh, किया हुआ है तो फिर उसको बचाने के लिए उसके ऊपर कैनवास लगाना है वही टेंट लगाना है तो फिर टेंट का एरिया चाहिए तो टेंट जो लगेगा वो कहा लगेगा सीएसए में लगेगा सीएसए में लगेगा केवल तो कर्ड सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा दो बातें निकालनी चलो शुरू हो जाओ तो डायमीटर है हमारे पास डायमीटर है कितनी 10.5 तो डायमीटर 10.5 तो स्ट्रेट अवे रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 बाय 2 मीटर मीटर एंड हाइट क्या है 3 मीटर दिस आर द गिवन पॉइंट्स तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ हीप वॉल्यूम ऑफ हीप और हीप जो है वो है कॉनिकल लिख देता हूं कॉनिकल हीप फॉर्मूला होता है 1 बाय 3 पाई थ्री तो R R मतलब थ्री से तो थ्री हटा दो और सेवन से वन टाइम और ये कितनी बार कट गया वन पॉइंट फाइव टाइम और टू से एक बार ये कट गया दैट इज इट इससे ज्यादा कट नहीं रहा क्या बसता है? एक बार लिख देता हूँ मैं ऊपर what करो जा कैसे करोगे पहले 11 को से कर दो चलो 1.5 तो 11 को 10. point नहीं पहले उसको उससे करो uh, 11, 5 जा 55, 11 बन जाए 11. तो चलो अब इसको किससे करेंगे हम से करेंगे रिमाइंडर 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 एंड एंड होता है है और और दो डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे डिवाइडेड ठीक तो फाइनल आंसर इस टू एट जा 16, और फिर आ जाओ थर्टीन 28 जा 16, 26 जा 12, 26 जा 12, 22 जा 4, 86.625 मीटर। ये आंसर है पहले क्वेश्चन का। जल्दी से मैच करो। राउंड फिगर में अगर कर दें, तो 86.625 को क्या लिख सकते हो 86. तो आप? 86.63 एप्रॉक्स। ऐसे ही। एप्रॉक्सीमेशन में है या फुल फॉर्म में है? पूरी फॉर्म में है? फुल फॉर्म में।

का रूट चलो टेन पॉइंट फाइव का स्क्वायर करना है ये हो एक सौ पांच का स्क्वायर कर दो एक सौ दस एक सौ दस पच्चीस और दो का स्क्वायर चार तीन का बारह सॉरी तीन का नौ ठीक है इसका रूट अब फोर एल आ गया तो ये हो जाएगा एक सौ दस पॉइंट पच्चीस और फोर नाइन जहा हो जाता है थर्टी सिक्स इस पूरे का रूट आगे चलते हैं तो इनको ऐड कर दोगे एक सौ दस पॉइंट पच्चीस में छत्तीस ऐड करोगे तो एक सौ छियालीस का रूट अब तो कटता ही नहीं तो आंसर इसका रूट में आएगा शायद और फिर रूट होगा तो वन फोर्टी टू फाइव को आप ज्यादा ज्यादा ऐसे लिख सकते हो वन फोर सिक्स टू फाइव ये पॉइंट नीचे का नीचे आ जाएगा तो फोर इन हंड्रेड हो जाएगा चलो फैक्टराइज करो जरा जल्दी से वन फोर सिक्स टू फाइव को फैक्टराइज करो जल्दी से करो फैक्टराइज करो कितने फैक्टर्स बनते हैं इसके क्या क्या होता है एंड ये वाला पोर्शन आपने कर लिया है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं थोड़ा सा ना ताकि स्पेस बन जाए जब तक आप करो तब तक मैं डिलीट करता हूं हुआ किसी का वन फोर सिक्स टू फाइव को फैक्टराइज करने में इतनी देर ठीक है ये तो वॉल्यूम आ गया था आपका ना एक काम हो गया यहाँ पे हाँ जी बताओ बोलो भाई फैक्टराइज नहीं हुआ अभी तक बहुत ही ज्यादा डीले हैं आप लोग बोलो थ्री से कटेगा क्या टू से तो नहीं कटेगा थ्री से कटेगा थ्री से ट्राई किया क्या तूने फिर सीधे फाइव पे क्यों पहुंचा

तीन बार पांच और एक बार तेरह फाइन ठीक है तो इट इज ऊपर लिख देता हूं मैं दो बार तो तीन आ रहा था तीन बार पांच, तीन बार पांच, तीन बार पांच आ रहा था तो तो तीन तो तीन और लास्ट में आ रहा था थर्टीन और नीचे डिनोमिनेटर में फोर को इजीली लिख सकता हूं मैं टू इंटू टू और हंड्रेड को मैं इजीली लिख सकता हूं टेन इंटू टेन ताकि इनका पेयर रखा रखा है मिल जाएगा ना टू का भी पेयर मिल जाएगा टेन का पेयर इसको सोल्व करो तो पेयरिंग देखो किस किस की हो गई किस किस की हो गई थ्री की हो गई

तो सीएसए यहाँ निकाल देते हैं खोपचे में इस खोपचे में निकाल देते हैं जहां भी जगह दिखे ठीक है तो सीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल पाई की वैल्यू ट्वेंटी आर। आर टू टू। तो तगड़ी कैलकुलेशन दे देती आपकी बार तो उसने सारी कसर निकाल दी जो पूरी एक्सरसाइज बड़ी आसान लग रही थी ना उसने पूरी बैंड बजा दी लास्ट में ऊपर स्पेस बना दो भाई क्योंकि स्पेस की वाकई में कमी है या लिखो सी एस ए इक्वल टू पाई आर एल पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस इज वॉट टेन पॉइंट फाइव बाय टू और वॉट इज एल थ्री बाय फोर रूट सिक्सटी फाइव ठीक है जी तो चलते हैं नेक्स्ट करो उसको काटो पीटो लाओ। हाँ जी तो देखो सेवन से वन सेवन से कितनी बार फाइव डिवाइडेड बाई फोर बचता है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इलेवन इंटू वन पॉइंट फाइव क्या होता है इलेवन इंटू वन पॉइंट फाइव क्या होता है कर दो या पहले इलेवन थ्री जा कर दो चलो तो वन पॉइंट फाइव एट इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री रूट बाय फोर चलो जी वन पॉइंट फाइव एंड थर्टी थ्री करना है तो फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव रिमाइंडर फोर फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव एंड फोर फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाय फोर और रूट सिक्सटी फाइव बचेगा तो फोर से डिवाइड करो तो फोर वन जा फोर फोर टू जा एट फिफ्टीन हुआ फिफ्टीन का मतलब फोर थ्री जा ट्वेल्व थर्टी हुआ फोर सेवन ट्वेंटी फोर फाइव ट्वेंटी रूट सिक्सटी फाइव और रूट सिक्सटी फाइव को भी सोल्व किया है पीछे देखो यही आंसर है क्या मीटर स्क्वायर क्योंकि सी एस है रूट सिक्सटी फाइव को आप अपने आप सोल्व करना फिर रूट सिक्सटी फाइव सोल्व करो कितना होता है रूट सिक्सटी फाइव अराउंड देखो एट एट या सिक्सटी फोर होता है तो अराउंड एट होगा अप्रोक्सीमेटली आंसर आ सकता है इसका ठीक है ना भाई सिक्सटी फोर होता तो एट हो जाता रूट अब ये सिक्सटी है ना एट वंशिका ने वेरी गुड चलो जी अब मल्टीप्लाई करो जल्दी से करो ट्वेल्व पॉइंट थ्री सेवन फाइव इंटू एट पॉइंट जीरो आंसर एग्जैक्ट पीछे से नहीं मिल सकता कभी भी क्योंकि उसने कहां पे अप्रोक्सीमेशन लिया है भाई हमने तो एट पॉइंट जीरो सिक्स पे अप्रोक्सीमेशन लिया हो सकता है उसने तीन डिजिट पे लिया हो हो सकता है उसने सिंगल डिजिट पर लिया वो हमको नहीं पता बट हम उसके इर्द गिर्द का आंसर ले आएंगे और वही हमारा आंसर माना जाएगा जल्दी से करो ट्वेल्व पॉइंट थ्री सेवन फाइव इंटू एट पॉइंट जीरो सिक्स नहीं हुआ हो सकता है उसने 8.06 पॉइंट को भी राउंड ऑफ करके लिख दिया हो, और फिर से मल्टीप्लाई कराया तो कुछ भी कर सकता है वो हम थोड़ा का भी आंसर ले आएंगे तो हम मान लेंगे कि हमारा सही है मैथमेटिकली सब करेक्ट होना चाहिए 7, 4, 2, और ये क्या हो जाएगा मीटर में स्क्वायर ठीक है सो दिस इज अवर फाइनल आंसर वॉल्यूम तो आ गया नीचे ये भी अप्रोक्सीमेट लिख दो अप्रोक्सीमेट ठीक है जी तो ये आ गया वॉल्यूम और वो आ गया सीएसए तो कैलकुलेटिव पार्ट इसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था मतलब स्ट्रॉन्ग तो क्या कह सकते हैं बड़ा सा मतलब मेहनत करने वाला था बेकार था मैं तो ये कहूंगा ओके okay. और बाकी इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ है नहीं बस ये लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसलिए टाइम लग गया बताओ और कोई डाउट इस एक्सरसाइज से कोई क्वेरी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो अदरवाइज लीव कर लेते हैं कोई डाउट नहीं है कल लास्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पीय ठीक है बोलो बच्चों कोई डाउट नहीं है ओके no, okay, चलो थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू हैव अ नाइस लर्निंग एंड स्कूल जा सकते हो आप